जल्द आने वाला है एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है डीजी टेक औरजनल जो लेकर आने वाला है अपनी ही अलग अलग कहानियाँ कॉन्टेंट वेब शोज जिसमें से एक है गीशा जिसमें नज़र आने वाले हैं अमन वर्मा जी जिन्हें हमने कई सारी फिल्मों में देखा है कई सारे टीवी वी शोज में देखा है मोस्टली आप 90 प्लस फिल्में और टीवी वी शोज कर चुके हो देर आर 30 टेलीविजन देर आर 90 टेलीविजन शोज एंड 30 मूवीज यू हैव हैव डन सो हाउ इट फील्स आई नो मूवीजन ये काउंट आपके पास कहाँ से आया गुड गुड आई रियली इफ यू कैन सेंड मी नेम्स ऑफ द शोज एंड द फिल्म डन दैट वुड बी रियली काइंड ऑफ यू बट थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन लाइफ हैज़ बीन गुड

I don't know whether I'm getting younger, but yes, I have a very, uh, uh, I live my life in a very, in a certain way. So my exercise regime, what I eat, what time I sleep, what time I wake up. हाँ मुझ वाटर आई ड्रिंक वॉट इज द कांड ऑफ फूड दैट आई इट सो आई थिंक एनी बडी कैन लुक दई डू इट जस्ट दट यू नीड टू फॉलो अ सर्टन पैटर्न ऑफ लिविंग लेकिन हम लॉकडाउन की बात करें तो इस लॉकडाउन ने ना सबके स्केड्यूल की बैंड ही बजाई है एक तरह से तो क्या आपको नहीं लगा ऐसा कि लॉकडाउन में गड़बड़ हुई है नहीं आई ऑनेस्टली आई डि नॉट फील कि हाँ मुझे बिल्कुल ऐसा लगा नहीं कि uh, मेरा जो एक स्केड्यूल था वो चेंज हुआ है uh, बल्कि लॉकडाउन के अंदर मैंने अपने आप को और ज़्यादा पुश किया एंड mm. अक्सर ज़्यादातर लोगों का क्या था कि वो लॉकडाउन की वजह से क्योंकि आप घर की चार दीवारी में बंधे हुए थे तो बहुत से लोग डिप्रेशन से गुजर रहे थे अब ये आपके ऊपर है कि उस उस समय का फ़ायदा उठाएंगे या फिर आप डिप्रेशन को कहेंगे कि भाई आओ हमारे सिर पे बैठ जाओ एंड फिर आप यू नो एक, एक, एक अंधेरे कुएँ में एक तरह से डूब जाएंगे मेरे लिए आ, मुझे लगा कि एक मौका है कि मैं वो बहुत सारी चीज़ें करने लगा बहुत सारी किताबें थीं जो मुझे पढ़नी थी बहुत सारे जर्नल्स थे बहुत सारी फिल्में थी बहुत सारे आई नो yeah. <laughs> वो बेसिकली आइडिया उनका था okay. वो एंड शी इज़ अ डांसर एंड शी इज़ अ अब डांसर और बहुत uh, कमाल की कलाकार हैं तो उन्होंने मुझसे कहा कि चलिए Uh, पुराने गानों में हम कुछ वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं तो मैंने बोला क्यों नहीं सो दैट वाज सक्सेसफुल लोगों को अच्छा लगा और अभी भी हम कुछ ना कुछ मस्ती करते ही रहते हैं Great. और जब बात किरदारों की हो क्योंकि क्यों, ऑलरेडी क्यों, 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 आपका एक बहुत ही लंबा सफ़र इंडस्ट्री में है और जो अभी तक जारी है सो so, किस तरह की किरदार आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आई थिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल किरदार करने में कोई मज़ा नहीं होता है तो so, मेरा सबसे पसंदीदा किरदार आज तक का एक शो था नाना इज दाडू तो उसमें अम्मा जी के अगेंस्ट एक डाकू था जिसका नाम था भानु प्रताप तो वो पूरा हरियाणवी बेस था तो मुझे वो हरियाणवी बिकॉज uh, क्या है कि मेघना जो है जो अम्मा जी का रोल uh, निभा रही थीं वो अपने बैकग्राउंड में अपनी लैंग्वेज में अपनी भाषा में बात कर रही थी तो मेरे लिए उनकी भाषा पकड़ना और उनके लहजे में बात करना वो बहुत मुश्किल था बट आई टू क्लासेज बहुत uh, मेहनत की एंड Uh, मुझे लगा कि लोगों ने मुझे उस नेगेटिव था रोल बट विद बैकग्राउंड जो लोगों को ये बताता है कि क्यों वो नेगेटिव हुआ क्योंकि उसकी बहन को और उसकी माँ को मार दिया गया था और वो बदले की भावना से बड़ा हुआ है तो वो रोल लोगों को बहुत अच्छा लगा दैट आई फील इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर्स दैट आई प्लेड No doubt because that was अपने आप में गीशा. गीशा में एक गीशा 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 किरदार अमन वर्मा भाई मैं कोशिश करूंगा कि मैं ही गीशा बन जाता <laughs> बट वो उन्होंने बोला कि नहीं आप गीशा बिल्कुल बन नहीं पाएंगे <laughs> so वो फीमेल कैरेक्टर है ना आ, सर नहीं नहीं आजकल तो लो अब इतने सारे शोज में लड़कियां बन के सारे लड़के घूमते रहते हैं अब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है तो हम भी तो बन सकते हैं ना ऐसी क्या बात है कि नहीं एनी anyway, तो आ, 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 रोल एक बिजनेस का है स्ट्रॉन्ग है पावरफुल है ईमानदार है ज़्यादा घमंड नहीं है आ, लोगों को पसंद करता है लोगों की मदद करता है तो उस तरह का पात्र है और वो एक अपने से 20-25 साल कम उम्र की लड़की के साथ उसका एक रिलेशनशिप हो जाता है और धीरे धीरे वो रिलेशनशिप जो एक तरह से प्यार में तब्दील होता है वो लड़की एक स्ट्रगलर है मुंबई में बहुत सी लड़कियाँ आती हैं तो क्योंकि एक पर्सनल कनेक्ट लड़की के साथ है तो उसे लगता है कि चलिए मैं इसके लिए एक फ़िल्म बना देता हूँ इसके करियर को बढ़ाने के लिए वो फिल्म हिट हो जाती है वो रातों रात सुपर बन जाती है और वो लड़की इन टर्न उसको लगता है कि भाई ये इतना कमाल का आदमी है इसने कुछ नहीं मांगा मुझसे तो चीख कंप्लीटली फॉजन लब अब वो बदले में वो उल्टा प्रपोज कर देती है कहती है कि मुझे काम okay. नहीं करना है मुझे आपके साथ जीना है तो उसको लगता है कि ये तो एहसान का बदला चुका रही है बट देन ही दैट इन लव और फिर वो शादी के बारे में सोचते हैं लेकिन शादी होने से पहले उसका कत्ल हो जाता है एंड oh, so उसके बाद फिर हम ये जानने की कोशिश करते हैं असली कहानी वहाँ से शुरू होती है कि भाई किसने मारा क्यों मारा किस वजह से मारा और वो धीरे 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 कहानी जो है अनरावल होती है।, wow, so it's gonna be the as well, है प्यार है कहानी है और साथ ही में थ्रिलर भी है राइट right? और बहुत कमाल का कंटेंट भी है ऐसा वैसा एनीवे बट बढ़िया है प्लेटफॉर्म है। so so वेब में आप दिखा सकते हैं वो टेलीविजन में आप दिखा नहीं सकते हैं। okay. सिंपल सी बात है तो जमाना बदल गया है और टेलीविजन के जितने लोग हैं अगर इस बात को जितनी जल्दी समझेंगे एक्सेप्ट करेंगे, except करेंगे।, except करेंगे तो ही लोग वापस टेलीविजन में आएंगे नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि और चार या पाँच साल में टेलीविज़न एक तरह से ख़त्म हो जाएगा टी वी की दुनिया कह सकते हैं टोटली एक अलग है और डिजिटल दुनिया हम कह सकते हैं थोड़ी सी रियलिस्टिक इनफैक्ट काफ़ी रियलिस्टिक भी है कम्प्लीटली रियलिस्टिक है क्योंकि लोग आजकल जो वेब में इसलिए आते हैं क्योंकि उनको सब कुछ रियलिस्टिक जो आम जिंदगी में हो रहा होता है उनको वही देखना है सो so, यहाँ पे हम कॉन्वर्जिशन ख़त्म करके लेकिन जाने के पहले आई रियली वॉन्ट यू टू सिंग वन सॉन्ग ऑफ योर ओन सॉन्ग ऑफ संघर्ष जिसमें आप आप खुद फ़ोन पर हो और गाना गा रहे हो तो आप फ़ोन पीछे बजा दें मैं लिपसिंग कर दूंगा पहले भी मैंने यही किया था गाना वाना मेरे बस की बात नहीं है बट हाँ आ, दिस इज ये कुछ पंक्तियाँ हैं जो सोहनलाल द्विवेदी जी की हैं जो बच्चन साहब ने भी सोनी टेलीविजन पे दोहराई हैं कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती कोशिश करने वालों की हार कभी हार नहीं होती नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है चढ़ती दीवारों पर सौ बार फिसलती है मन का विश्वास रगों में साहस भरता है चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना बहुत अखड़ता है अंत में उसकी मेहनत बेकार नहीं होती कोशिश करने वालों की हार कभी हार नहीं होती सो इसी नोट के साथ हम आपको बस यही कहेंगे कि नेवर गिव अप